छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेली न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। बुंदेली न्यूज चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। छतरपुर जिले के गौरीहार में एक गरीब परिवार की कहानी दिल दहला देने वाली है। परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यह कहानी है छतरपुर जिले के गौरीहार तहसील के प्रकाश बमहोरी निवासी गंगादीन वंशकार व उनकी पोती सुनीता की। बात 15 साल पुरानी है, जब घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से गंगादीन के बेटे नंदकिशोर अपनी पत्नी रामरति व 3 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बिशनपुरा में मजदूरी करने गए थे। गंगादीन के पास केवल उनकी नातिन सुनीता रुक गई और अचानक 27 जुलाई 2009 को यह दिल दहलाने वाली खबर आई, जहां नंदकिशोर मजदूरी करने गए थे, वहीं एक दीवार ढह जाने के कारण नंदकिशोर उनकी पत्नी रामरति सहित 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, परिवार के 2 अन्य लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए थे, यानी एक ही परिवार के 7 लोग असमय काल की गाल में समा गए, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस वज्रपात ने जैसे गंगादीन को तोड़ कर रख दिया, लेकिन उनकी नातिन सुनीता का उनके अलावा और कोई सहारा नहीं था, लिहाजा कलेजे पर पत्थर रखकर बुजुर्ग गंगादीन ने गरीबी की हालत में सुनीता का पालन पोषण किया। अब सुनीता बड़ी हुई तो दादा गंगादीन को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी, लिहाजा एक अच्छा घर ढूंढकर गंगादीन ने अपनी नातिन की शादी तय कर दी है। सुनीता की शादी आने वाली 14 फरवरी को है, लेकिन गरीबी की हालत गंगादीन की चिंता अब सबब बने हुए हैं। ऐसे में गंगादीन को अपनी नातिन की शादी के लिए शासन प्रशासन से मदद की दरकरार है। जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? सुनीता। कैसे घटना हुई थी आपके परिजनों के साथ, माता पिता भाई बहन कैसे खत्म हो गए थे आपके, क्या हुआ था? दीवार गिरने थी। कहाँ पर गिरी थी दीवार? दिल्ली पे। क्या करते थे? मजदूरी करने गए थे। तो कितने लोग खत्म हो गए थे आपके परिवार के? मेरे परिवार के 5 लोग हैं और मतलब घर से पूरे 8 लोग आपके परिवार और परिवार से जी। उसके बाद फिर आपको किसने पाला पोसा बड़ा किया? आप यहाँ थी क्या दादा के पास? अभी शादी कब हो रही है आपकी? 14 फरवरी। कौन था आपके? दादाजी। और वहाँ कौन कौन था? मम्मी पापा 2 भाई 1 बहन। तो कितने लोग गुजर गए थे? 5। सभी के सभी? एक विकलांग हो गया था। हाँ, वो मेरे चाचा थे और बुआ थी। 5 लोग मतलब वैसे तो खत्म 9 लोग हुए थे खत्म जी, एक ही घर से 9 लोग। बुआ और चाचा सब मिला सब एक ही? 5 आपके घर जी। दीवार गिर गई। अच्छा, कितने लोगों की जान गई हुई थी? 7 जने के। 7 लोगों की? हाँ। और बच्ची कहाँ थी? बच्ची यहीं घर में थी। तो बच्ची का पालन पोषण आपने कैसे किया? सर सबकी मदद थी। अच्छा, गांव बच्ची की। और अभी बच्ची की शादी है? हाँ जी साहब। कौन से तारीख में शादी? 14 को। हाँ। तो शादियों में क्या दिक्कत आ रही है? सब दिक्कत आ रही, गरीब थी बस अरे गांव कर रहा है मदद। अच्छा। हाँ। तो अब तक प्रशासन से आपकी क्या मांग है? अब जो भी मिल सके।